जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कविराज और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। देखिए, जितने भी छात्र झारखंड बोर्ड मैट्रिक इंटरमीडिएट की फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 में लिखने वाले हैं, तो आज आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर आ चुका हूँ। देखिए दोस्तों, आप सभी छात्रों को ये मालूम होगा कि टर्म वन और टर्म टू दोनों को मिलाकर जो है एक ही बार आपका एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा, एक ही बार आपका एग्जाम जो है आयोजित होने वाली है। साथ ही दोस्तों, आपके इस एग्जाम में जो है ऑब्जेक्टिव प्लस में सब्जेक्टिव दोनों टाइप के जो है क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है कि कल जो है जैक बोर्ड में जो है एक हाई लेवल की मीटिंग हुई थी। जैक के शिक्षा सचिव के द्वारा जो है एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई गई थी, उसके बाद जो है आज उसका निर्णय आ चुका है। क्या फैसला हुआ यह भी इसमें आपको बताऊंगा। साथ ही दोस्तों, कई सारे बच्चे यह भी कॉमेंट करते हैं कि सर, मॉडल पेपर से हमारा कितना परसेंट जो है एग्जाम में जो है क्वेश्चंस आने वाला है, कितना क्वेश्चन जो है हमारा एग्जाम में जो है मॉडल पेपर से पूछा जाएगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख कर जाइएगा और दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो के एक लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि आगे भी इसी प्रकार से जो है जैक बोर्ड से हर छोटी बड़ी अपडेट आप लोगों को मैं प्रोवाइड कराता रहूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अपडेट की ओर चलते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है आप हमारे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, यहां पर बताया गया कि जैक मुख्य परीक्षा से पहले हो सकता है प्रैक्टिकल। यानी दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में मैंने कल या परसों ही पहले आपको बता दिया है कि प्रैक्टिकल एग्जाम जो है मार्च के फर्स्ट वीक में जो है आयोजित होने वाला है। तो साथ ही दोस्तों, यहां पे इसमें यह भी बताया गया है कि आपकी जो मॉडल पेपर है उससे कितना जो है सवाल आप लोगों का एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग अंत तक बने रहना। देखिए इसमें क्या क्या बताया गया, मैं पूरी जानकारी आपको बता देता हूं। देखिए, यहां पे लिखा है कि मैट्रिक इंटर परीक्षा, ठीक है, आगे लिखा है जैक के 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा प्रैक्टिकल एग्जाम मुख्य परीक्षा से पहले लिया जा सकता है, थ्योरी परीक्षा मार्च के आखिरी सप्ताह में शुरू हो सकती है। यह चर्चा शनिवार को जिला स्कूल में आयोजित बैठक में हुई है और हाई और प्लस टू स्कूल के प्रचारों के साथ जैक सचिव महिव कुमार सिंह ने समीक्षा कर बैठक की, जिसमें कि उन्होंने प्रचारों के परीक्षा के आयोजन और फॉर्मेट के संबंध में जानकारी दी। बैठक में शिक्षा पदाधिकारी अरविंद विजय विलुंग भी मौजूद थे। बैठक में बताया गया है कि मुख्य परीक्षा मार्च के आखिरी सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। यानी समझ लीजिए दोस्तों कि आपका मार्च के लास्ट वीक में जो है फाइनल एग्जाम शुरू हो जाएगा, उससे पहले आपका प्रैक्टिकल एग्जाम जो है होने वाला है। ठीक है, देखिए आगे लिखा है कि ऐसे में प्रैक्टिकल परीक्षा होली से पहले शुरू हो सकती है, क्योंकि पूर्व में प्रैक्टिकल परीक्षाएं 15 से 20 दिन में ली गई है। यानी दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पहले क्या होता था कि 20 से 25 दिन पहले ही आप लोगों का जो है प्रैक्टिकल एग्जाम्स लिया जाता है। ठीक है, और अभी बार क्या हुआ कि इस बार जो है आपके पास समय भी बहुत कम है, बोर्ड के पास भी समय बहुत कम है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स का फाइनल जो अनाउंसमेंट हो चुका है कि मार्च के लास्ट वीक में आयोजित करना है, तो उससे जो है 15 से 20 दिन पहले ही आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा। देखिए आगे लिखा है यहां पे कि 18 और 19 मार्च को होली है, समय कम होने के कारण होली से पहले ही प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू हो सकते हैं। और बैठक में यह भी बताया गया है कि टर्म वन और टर्म टू की परीक्षा एक साथ ली जाएगी। मैंने अभी जस्ट बताया पहले ही कि टर्म वन और टर्म टू का जो एग्जाम्स है दोनों को एक साथ मिलाकर जो है एक ही बार में आपका एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा, लिया जाएगा। परीक्षा जो है कुल 3 घंटों में होगी, इसमें 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे समझिएगा दोस्तों, अभी जो है प्रैक्टिकल एग्जाम्स को तो होंगे ही, प्रैक्टिकल एग्जाम 3 घंटे का होगा, ये भी मैं आपको बता देता हूं, और आपका जो फाइनल एग्जाम्स है, ठीक है, फाइनल एग्जाम में जो आपका टाइम दिया जाएगा, फाइनल एग्जाम में आपका 3 घंटे का जो है टाइम आप लोगों को मिलने वाला है, जिसमें कि 1.5 घंटे आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा और 1.5 घंटे आपको उत्तर पुस्तिका में आंसर देना है। ठीक है, देखिए आगे क्या बताया गया कि सीबीएसई बोर्ड के तर्ज पर टर्म वन परीक्षा मल्टीपल च्वाइस आधारित होगी। यानी कि जो आपका मल्टीपल च्वाइस यानी कि ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे जो कि मार्कशीट पर ली जाएगी, वही टर्म टू की परीक्षा लिखित होगी। बताया गया है कि दोनों टर्म में प्रैक्टिकल आधारित विषयों की जो है लिखित परीक्षा 35-35 अंक की होगी और 15-15 अंक की प्रैक्टिकल परीक्षा ली जाएगी। इसी तरह बिना प्रैक्टिकल वाले विषयों की परीक्षा 40-40 अंकों की होगी और 10-10 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन होगा। देखिए दोस्तों, समझिएगा यहां पे जिन विषयों में, ठीक है, जिन सब्जेक्ट में जो है आपका प्रैक्टिकल है, ठीक है, जिन विषय में आपका जो है प्रैक्टिकल है उसमें जो है, ठीक है, जब सब्जेक्टिव देंगे या ऑब्जेक्टिव देंगे, सब्जेक्टिव देंगे या ऑब्जेक्टिव देंगे, उसमें जो है सिर्फ आपका 35 मार्क ही रहेगा, फुल मार्क आपका क्या रहेगा,
35 मार्क रहेगा और प्रैक्टिकल जो रहेगा उसका 15 15 मार्क करके आपको जो है 15 मार्क्स फुल रहेगा, ठीक है। यानी कि प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए जो है 15 रहेगा और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो देंगे उसमें जो है फुल मार्क जो है 35 आपको मिलने वाला है। साथ ही दोस्तों जिन विषयों में प्रैक्टिकल नहीं होती है उसका जो लिखित एग्जाम्स होगा या ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होगा उसमें फुल मार्क जो है 40 रहेगा। ये क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज किया गया है और 10 अंक का जो है इंटरनल असेसमेंट होगा जिन विषय में प्रैक्टिकल नहीं होता है, ठीक है। देखिए आगे यहाँ पे बताया गया है कि मॉडल पेपर के अनुसार कराएं तैयारी। देखिए दोस्तों कई सारे बच्चे ये भी कमेंट कर रहे थे कि सर मॉडल पेपर से कितना परसेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाला है, कितना परसेंट एग्जाम में आने वाला है। तो देखिए आप मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आप पूरी तरह से क्लियरेशन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि जैक सचिव ने प्रचारों को जैक द्वारा जारी मॉडल पेपर के अनुसार ही बच्चों की तैयारी कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया है कि बच्चों की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का फॉर्मेट स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए, इसलिए उसी के अनुसार तैयारी कराई जानी चाहिए। इसके अलावा बैठक में संग्रह शिक्षा परियोजना के तहत संचालित कार्यक्रमों की समीक्षा की गई और प्राचार्यों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहां पे पूरी तरह से यह बताया जा रहा है कि सभी बच्चों को, ठीक है, सभी बच्चों को जितने भी बोर्ड एग्जाम में शामिल होंगे सभी बच्चों को यह निर्देश दिया गया, साथ में उसके प्रधानाध्यापक उसके स्कूल को भी निर्देश दिया गया कि सभी बच्चों का जो तैयारी है वो बोर्ड एग्जाम बोर्ड एग्जाम को लेकर जो मॉडल पेपर जारी हुआ है उसी से जो है रिगार्डिंग जो है तैयारी कराएं, क्योंकि इस बार जो है मॉडल पेपर से लगभग 60% याद रखिएगा कि मॉडल पेपर से जो है आपका 60% जो है बोर्ड एग्जाम में जो है प्रश्न आप लोगों को फंसने वाला है, बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आने वाला है। तो दोस्तों आप जो है मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों यहां पर बताया गया कि पोर्टल पर जो है अपलोड करना है अंक, यानी कि यह जो एग्जाम होगा प्रैक्टिकल का इसका जो है पोर्टल बनाया जाएगा और इसका जो अंक अंकित किया जाएगा यानी कि अपलोड किया जाएगा। लिखा है यहां पे महीप सिंह ने बताया है कि इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल के मार्क्स जैक के पोर्टल पर अपलोड करने होंगे, साथ ही हार्ड कॉपी जैक कार्यालय में जमा करनी होगी। इसके लिए परीक्षा का मूल्यांकन कार्य मार्च के अंतिम सप्ताह और अप्रैल के प्रथम यानी कि फर्स्ट वीक में शुरू कर दिया जाएगा। बताया गया है कि जून में फाइनल रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा, जून में 8वीं, 9वीं और 11वीं की भी परीक्षाएं होगी। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, जरा ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा कि मॉडल पेपर आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि इस बार जो है मॉडल पेपर से 60% जो है बोर्ड एग्जाम में सवाल आने वाला है। साथ ही दोस्तों आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होगा, ठीक है, और आपका इंटरनल असेसमेंट होगा, ठीक है, आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स है, ठीक है, और आपका जो इंटरनल असेसमेंट होगा, इंटरनल असेसमेंट जो आपका होने वाला है, इंटरनल असेसमेंट आपका जो है जिन विषयों में प्रैक्टिकल एग्जाम्स होता है उनका जो है फुल मार्क इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल में मिलाकर जो है 15 दिया जाएगा और जिनमें नहीं है उसको जो है 10 ही दिया जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जाम का जो अंक है और इंटरनल असेसमेंट का जो अंक है वो जैक के पोर्टल पर जो है मार्च के लास्ट वीक में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में आयोजित किया जाएगा। और यहाँ पे साफ साफ बताया गया कि आप सभी विद्यार्थियों का जो रिजल्ट है जो कि मैट्रिक इंटरमीडिएट वालों का जून में जो है प्रकाशित कर दिया जाएगा, जो कि आप सभी के लिए गुड न्यूज है कि ज्यादा लेट अब जो है नहीं करने वाली है। सरकार जो है जिस तरीके से दिशा निर्देश दिए हैं उसी के अनुसार जो है जैक बोर्ड के अध्यक्ष ने फैसला लिया है कि आपकी जो रिजल्ट है वो समय पर निर्धारित किया जाए। साथ ही दोस्तों 8वीं 9वीं और 11वीं की जो परीक्षाएं हो जून में ही आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो में आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि आपका समय कितना रहेगा, किस तरीके से आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम्स होगा और किस तरीके से आपका थ्योरी पेपर होने वाला है, किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे और दोस्तों आपकी जो रिजल्ट होगा वो कब जारी किया जाएगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आगे भी इसी प्रकार से जो है लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिल सके। तो चलो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।